उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गया है और दो लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ रहा है, लेकिन शायद अभी कार्यकर्ता इस गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा एक नजारा बीती रात बागपत में फिर दिखाई दिया। बागपत का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरएलडी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहद गुस्सा है। ये मामला पार्टी आलाकमान तक पहुंच गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो गुटों में भयंकर मारपीट हो रही है, तो वही कुछ लोग जमघट लगाए खड़े हैं। इस वीडियो में आरएलडी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता के घर राजकुमार सांगवान को जाने से आरएलडी नेताओं ने रोका था। इस बात पर कहासुनी शुरू हो गई। ये घटना छपरौली थाना इलाके के तिलवाड़ा गाँव की है। इस मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची। भाजपा के लोकसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष को स्थिति संभालनी पड़ी। आपको बता दें कि छपरौली विधानसभा के तिलवाड़ा गांव में गुरुवार की देर शाम को रालौद भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का जनसंपर्क कार्यक्रम था। छपरौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता भी मौजूद थे, जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपने घर पर चाय पर लेकर जाने के लिए कहने लगे। वहां मौजूद कई रालौद कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इसे लेकर भाजपा नेता और रालौद कार्यकर्ताओं में कहासुनी होने लगी। इसके बाद रालौद कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता को पीटना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देखकर डॉक्टर राजकुमार सांगवान वहां से चले गए। अन्य लोगों ने भी किसी तरह उनका बीच बचाव किया। बाद में इसका पता लगने पर भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। भाजपा के लोकसभा प्रभारी अशोक नागर, जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी वहां पहुंचे और छपरौली थाना पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ भी रालौद कार्यकर्ताओं की नोकझोंक होने लगी, तो किसी तरह मामला शांत हुआ। वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर इसका वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक आता है और बेल्टों से मारपीट करता है। कई लोगों से मारपीट की जा रही है, बीच बचाव भी लोगों द्वारा कराया जा रहा है। छपरौली के थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि तिलवाड़ा में मारपीट की सूचना मिली थी, जिसमें वहां पुलिस पहुंची थी। वहां पता चला कि मारपीट नहीं हुई है, बल्कि नोकझोंक हुई थी। इसमें अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने बताया कि तिलवाड़ा गांव में डॉक्टर राजकुमार सांगवान आए हुए थे, जहां भाजपा नेता प्रत्याशी को अपने घर ले जाने की बात कहने लगे। उसको लेकर कहासुनी हो गई और रालौद कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता के साथ मारपीट की। मैं इस बात को ऊपर तक बताऊंगा। पीड़ित बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि रालौद नेता अपराधी है और हर चुनाव में गुंडागर्दी करता है, उससे उन्हें अपनी जान का खतरा है। आपको बता दें कि बागपत में इससे पूर्व भी दोनों दलों में मतभेद सामने आए थे। मोदी योगी जिंदाबाद के नारे न लगाने पर रालौद महिला सभा की अध्यक्षा से विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। रालौद और भाजपा की संयुक्त चुनावी बैठक में जिला अध्यक्ष रेणु तोमर शामिल हुई थी कि मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाने पर वो सहज नहीं थी और उन्होंने विरोध कर दिया था। इनके इस कदम पर हंगामा हो गया था और रेणु इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुई थी। आपका परिचय जाना। मेरा नाम अंकुर सिंह है, मेरे पिता का नाम श्री करणपाल सिंह है, मैं ग्राम तिलवाड़ा थाना छपरौली जनपद बागपत का निवासी हूँ। अंकुर जी, आज यहाँ एनडीए के प्रत्याशी आपके गांव में आए थे तिलवाड़ा में, क्या घटना हुई है उसके बारे में बताएं। घटना ये हुई, एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार सागवान जी आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम ग्राम प्रधान ने और हम सब लोगों ने मिलकर किया हुआ था। बड़ी अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब भीड़ इकट्ठा थी वहाँ पे। उसी दौरान जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, वहाँ से पुरुष अपनी योजना के अंतर्गत जो पहले से योजना थी, वहाँ पर धूम सिंह, उसका भाई विजेंदर, उसका भाई सुमन और उनके भतीजे, वे लाइसेंसी हथियारों से लैस और डंडों से लैस एक विकास सनोपिंदर वहाँ पर पहले से ही पहुँचे चुके थे। मैं उनसे बाद में पहुँचा, तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, प्रोग्राम खत्म होते ही मेरी आदरणीय सागवान जी से बात हो रही थी कि चलो चाय के लिए चले, तो उसके लिए वो कह रहे थे कि आगामी प्रोग्राम भी लेट हो जाएंगे, मगर जैसा भी आप अच्छा समझो। उनका चाय का प्रोग्राम मेरे घर पर भी था प्रस्तावित। तो इसी बीच वहाँ पे जो विजेंद्र सिंह है, धूम सिंह का भाई, उसने क्या किया, वहाँ पूर्व प्रधान थे हमारे गांव के सतेंद्र जी, उनके साथ धक्का मुक्की की, दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ भी किया। इसको करने के बाद इसका विरोध किया, तो खुलेआम वो बेल्ट निकाल के उसने ग्राम प्रधान जो वर्तमान में है श्रीमती मंजू जी, पत्नी जितेंद्र जी, उनका बेटा है धनंजय, उसके ऊपर बेल्ट से हमला कर दिया खुलेआम। फिर उन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली,
तो ये सब निकालने के बाद सब अचंभित रह गए कि आदर्श आचार संहिता होते हुए भी ये लाइसेंस से रिवॉल्वर कैसे लिए घूम रहे हैं यहाँ पे। अंकुर जी एक चीज हो रहा है कि जिस वक्त ये तमाम घटनाक्रम हो रहा था उस वक्त एनडीए के प्रत्याशी मौजूद थे? हाँ मौजूद थे, आदरणीय सागवान जी मौजूद थे, स्कूल के प्रांगण में थे। उनको जबरदस्ती बचा के सब लोगों ने भीड़ से निकाल के गाड़ी में बैठाया जब ये झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद वे वहां से आराम से निकल के हेवा के लिए प्रस्थान किए। फिर इसके बाद मैंने श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय छपरौली को फोन करके घटना की सूचना दी। वे तत्काल मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगा के उन्होंने गांव में फ्लैग मार्च किया और उनको लाठी डंडों से खदेड़ा, जब जाके ये अपने घर में घुसे। नहीं तो लगातार झगड़े के लिए उतारू थे, जिससे गरीब जनता में इनका भय और डर का माहौल रहे कि वे मतदान ना करें, या तो यह करे तो इनके अनुसार करे, ये है। और ये स्थानीय नेता है, ये जो पार्टी जो सरकार आती है उसी का झंडा लगा लेता है और उस धीरे से जाकर बाईपास से उनको कुछ कर देता है तो वो उसी की भाषा बोलने लगता है। धूम सिंह है ये पहले समाजवादी में बाबू मुनकाद अली के साथ हम इनके फोटो देख सकते हैं, शिवपाल यादव जी के साथ इनके फोटो देख सकते हैं। अब जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, मैं 2012 से भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रोग्रामों में हूँ, किसी अन्य प्रोग्राम में हूँ तो मुझे दिखा दो आज तक भी कोई। इसको हम जिस दिन से इसने जन्म लिया कितनी पार्टी में हम इसको दिखा सकते हैं, ये साक्ष्य हमारे पास, कहोगे उपलब्ध करा देंगे। हाँ इन पे पहले चुनाव में झगड़ों में यही ग्राम के जो चुनाव विधानसभा चुनाव रहे हो लोकसभा ग्राम पंचायत चुनाव का आप उदाहरण उठा कर देख लो कि किसी भी चुनाव में इन्होंने गरीब लोगों को डराने के लिए यदि झगड़ा ना किया हो, मुकदमे ना हुए हो, 307-402 उनके घर में घुस के हमले ना किए हो, गुंडा एक्ट और जिला बदर लोकसभा विधानसभा में पूर्व में रहते आए। अब ये पैसों के प्रोफेसर से या कोई इनको भारी सपोर्ट ऐसी मिलती है जिससे गुंडा एक्ट जिला बदर को दबाए बैठे, आप रिकॉर्ड निकलवाओ इन पर गुंडा एक्ट जिला बदर के चुनाव में, जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव होते थे इसी दौरान इनको गुंडा एक्ट जिला बदर कर दिया जाता था। अब ये पता नहीं किस लिए घूम रहे हैं, वो इसलिए किया जाता था कि ये बवाल ना करे जो आज इन्होंने किया चुनाव को प्रभावित करने का। हमारी स्थिति खुद की ऐसी है कि हम प्लान करने को तैयार है गाँव से, मेरे ऊपर इन्होंने हमला कराया 5 मई को इसी साल में, 308-402 का मुकदमा छपरौली थाने में दर्ज है, मेरे जान का खतरा लगातार बना हुआ है, किसी समय मेरी हत्या कर सकते हैं, मुझे इतना भय इन लोगों से है क्योंकि ये परिवार के 8-10 लोग हैं और सभी अपराधी किस्म के हैं, ये उनका इतिहास है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।